वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, कोई भी मान लो ए और बी की कोई झगड़ा है, उसमें केस चल रहा है। केस चलने के बाद अगर उस केस में या तो राजीनामा हो जाता है या बरी हो जाता है, तो केस अगर बरी होने के बाद डिस्पोज्ड हो जाता है, तो उस केस को डिस्पोज होने के बाद आप क्या करें, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों जब अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आपके अगर कोई केस चल रहा है, केस में अगर आप बरी हो जाते हो, तो आपको केस खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप इस वीडियो से जान सकते हैं। और इस वीडियो को जानने के लिए आप इसी वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आया। अगर मान लो आप किसी सरकारी जॉब में लगने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करने के साथ साथ आपको किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ केस दर्ज करा दिया हो, केस दर्ज कराने के बाद अगर आप उस केस में समझौता नहीं होता है, लगातार वो केस चलता रहता है, अंत में आप उस केस से बरी हो जाते हो, तो बरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बरी होने के बाद आपको अगर सरकारी नौकरी में जैसे पासवर्ड बनवाना है, कहीं विदेश जाना है, तो आपको उस जिस केस में आप बरी हुए, उस केस की पूरी फाइल, जो जजमेंट हुआ है उसकी पूरी फाइल निकला ले किसी वकील के माध्यम, जो आपके ने वकील बना उसके माध्यम से उसकी पूरी जजमेंट की फाइल निकालने के बाद आपको क्या करना है। अगर दोस्तों आपको सरकारी सेवा में जाना है या किसी विदेश में जाना है, लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको दोस्तों अगर बरी हो गए तो आपको जो संबंधित थाना है उसमें पूरी नकल निकला के देनी है। क्योंकि जब तक आप उस संबंधित थाने में आपके केस दर्ज हुआ है, जब तक आप बरी जिस कोर्ट में केस चला उसमें बरी हो गए, संबंधित थाने को नहीं दोगे, जब तक संबंधित थाने आपके उस केस से डिस्पोज्ड जो हुआ है केस, उसके बारे में जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में जो दिक्कत आएगी वो नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप उस चीज को उस थाने में से नहीं दोगे, जब तक थाने को क्या पता कि आप किस केस में बरी हो गए। अगर वो चीज देने के बाद आप कभी भी लाइसेंस, विदेश जो पासपोर्ट बनवाते हो, ये चरित्र प्रमाण वेरिफिकेशन कराते हो पुलिस चरित्र, तो उस जगह आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कोई भी केस अगर डिस्पोज हो जाता है, अगर आपके ऊपर गंभीर आरोप है और आप उसमें बरी हो जाते हो, तो वो जो फैसले की कॉपी वो निकला के आप संबंधित जिस थाने में आपका केस दर्ज हुआ है उस संबंधित थाने को दे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके भलाई के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इस चीज से कभी भी कोई चीज वेरिफिकेशन करवाना हो, कुछ भी जैसे सरकारी नौकरी लगना हो, तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के व्यक्ति के साथ, अभी किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ हो, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी अगर आपको सरकारी के नौकरी लगना या नहीं लगना वो अलग चीज है। दोस्तों आजकल गाड़ी का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आपके केस में बरी होने के बाद अगर आप संबंधित पुलिस थाने को वो कोर्ट के फैसले बरी का आदेश नहीं दोगे, जब तक आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप उसमें बरी नहीं है तो देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सजा सुना दी जाती है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस केस में बरी हो तो आप उस जजमेंट की कॉपी पुलिस थाने में जरूर दीजिए, जिससे आपको चरित्र पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आए। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।